राजस्थान उत्तराखंड सभा की पहली मीटिंग में यहाँ पर उपस्थित राजस्थान उत्तराखंड सभा के हमारे आदरणीय संरक्षक डॉक्टर पीसी पाठक साहब, आप सब जानते हैं बहुत बड़े समाज सेवक हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं और किड्स क्लब के चेयरपर्सन हैं। इनका मार्गदर्शन हमको पहले से ही मिलता है और मिलता रहेगा। हमारे आदरणीय महावीर सिंह जी पटवाल साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपका मार्गदर्शन भी हमें मिलता रहेगा। हमारे इस कार्यक्रम के और बड़े हर्ष का विषय है, आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, रिटायर होने के बाद में उनका केवल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और जैसे कि शिशवाल सिंह जी रावत बहुत पहले जुड़े हुए हैं, आप सलाहकार हैं, विजय सिंह जी दीदी, अर्जुन सिंह जी बेस्ट और हमारे सभा के महामंत्री बहुत बड़े एडवोकेट हैं और बहुत बड़े समाज के मन में आया, ख्याल आया, उस सम्मेलन के मुखिया के मन में ख्याल आया कि एक मेरा कार्यकर्ता घर में बैठ गया है, उब गया है, उसको दुख है। कारण पूछने जाने के लिए उनके घर गए, सर्दी का टाइम था और वो सज्जन अपने घर में बैठकर आग सेक रहा था। क्या सेक रहा था? आग सेक रहा था। लकड़ी जला के हमारे गांव में जलती है ना, जयपुर में तो हम नहीं जलाते लेकिन गांव में जलाते हैं, तो आग सेक रहा था। हमारे अध्यक्ष जैसे वो समाज के मुखिया गए, उस सज्जन के सामने बैठे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो लकड़ी उठाई, बाहर रख दी। कहाँ रख दी? बाहर रख दी अकेले। थोड़ी देर में क्या हुआ, कोयले की आग खत्म हो गई और जो लकड़ी जल रही थी बाहर अकेले वो भी बुझ गई, उसकी चमक भी खत्म हो गई, उसका ताप भी खत्म हो गया। कहता है वो जो आदमी है, जो समाज सेवक था, वो अपने मुखिया को कहता है आपने ऐसा क्यों करा, वो लकड़ी बुझ गई, बुझ रही, उसकी चमक खत्म हो रही है, उसको अकेले क्यों रखा। तो संगठन के मुखिया ने कहा यही मेरा जवाब था, यही मेरा सवाल है, आपने जवाब दे दिया।